डिजिटिविजिट मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस डे नंबर 78 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो डे नंबर 78 हम स्टार्टिंग कर रहे हैं और 77 हो चुका है। अब बहुत ज़्यादा इसमें काम नहीं है, अलजेब्रा बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स और एंड। ठीक है, तो एंड की वही चलना है। यहाँ से क्वेश्चन है, यदि एम बे एन एम और एन धन पूर्णांक हो, एम और एन धन पूर्णांक हो, तो सिद्ध कीजिए कि वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन के प्रसार में एक्स की पावर एम और एक्स की पावर एन के गुणांक बराबर है। एक्स की पावर एम और एक्स की पावर एन के गुणांक बराबर हैं, ये हमें प्रूविंग करना है। वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन के प्रसार में, यानी कि ये था वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन, एम प्लस एन इसको मैं मान ले रहा हूँ कैपिटल एन को, ठीक है, एज ए कैपिटल एन। तो यहाँ पे हम कंपेयरिंग करते हैं एक्स प्लस ए की पावर एन के प्रसार में व्यापक पद टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर एंड ए की पावर आर। तो एक्स की जगह पे यहाँ पे वन है और ए की जगह पे एक्स है और एन की जगह पे हो गया एम प्लस एन। ठीक है, तो हमको लेना है टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर यानी एम प्लस वन सी आर, एक्स की जगह है वन की पावर एम प्लस एन माइनस आर एंड ए की जगह एक्स की पावर आर। ठीक है, तो एक्स की पावर एम का गुणांक लेना है तो आर इक्वल टू एम रख देंगे। ठीक, फोर एक्स की पावर एम के गुणांक के लिए ये तो वन ही हो जाएगा, एक्स की पावर एम लेना है तो आर की जगह एम रख देंगे, तो ये गुणांक हो जाएगा एक्स की पावर एम का जो गुणांक आएगा वो आ जाएगा एम प्लस एन सी एम, यानी आर बराबर एम रखेंगे, आर बराबर एम रखेंगे तो ये भी एम हो जाएगा, तो एम प्लस एन सी एम। ऐसे ही अगर हम एक्स की पावर, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, एक्स की पावर एन का गुणांक अगर लेना है गुणांक के लिए, तो गुणांक यानी कोफिशेंट्स होता है, तो यहाँ पे एन रखना होगा, आर इक्वल टू एन रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आर इक्वल टू क्या पुट करेंगे, एन पुट करेंगे, तो एक्स की पावर एन का जो गुणांक आएगा वो आएगा एम प्लस एन सी एन। क्वेश्चन नंबर 2, ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2, ये हमको बराबर प्रूफिंग करना है क्वेश्चन 1 एंड 2, यानी कि दिखाना है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो देख लेते हैं कि बराबर हैं कि नहीं, एंड एम प्लस एन सी एन। ठीक है, मैं सपोज बराबर रखा हूँ और इसमें यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा दे रहे हैं एन सी आर का, एन सी एन माइनस आर होता है, एक इनिक्वलिटी से एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, तो एक साइड में कहीं लगा देते हैं, इधर लगा दो या उधर, कोई एक साइड एम प्लस एन सी एम प्लस एन माइनस एम और इक्वल टू एम प्लस एन सी एन हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एम प्लस एन एम से एम कैंसिल हुआ सी एन इक्वल टू एम प्लस एन सी एन, तो बोथ साइड्स आर इक्वल, यानी कि प्रूफिंग हो चुका है वन प्लस एक्स की घात एम प्लस एन के प्रसार में एक्स की पावर एम और एक्स की पावर एन के गुणांक बराबर है। ठीक है, यानी कि दोनों कोफिशिएंट्स इक्वल है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, तो आने के यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसमें चांसेस बने हुए थे। ठीक है, अब मैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन था, अब मैं छोटे छोटे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, है ना, ये पहली वीडियो में हो जाना चाहिए था, परंतु डे नंबर 77 एंड हो गया था, आप आगे की ओर बढ़ते हैं। नया पॉइंट्स यानी कि महत्तम पद ज्ञात करने के लिए, महत्तम पद क्या होता है, महत्तम पद यानी कि महत्तम गुणांक, सॉरी महत्तम गुणांक यानी कि मैक्सिमम कोफिशेंट्स, महत्तम गुणांक को कहेंगे मैक्सिमम कोफिशेंट। मैक्सिमम कोफिशेंट्स हमारे जो टर्म्स हैं एन सी आर में, जो मैक्सिमम कोफिशेंट्स होगा वो है एन, अगर समथिंग क्या है एन सी आर में, यदि एन एन समथिंग क्या है, यदि एन समथिंग क्या है, एन समथिंग क्या है, तो एन सी आर
पहला पॉइंट, एनसीआर का महत्तम मान होगा, एनसीआर महत्तम तब होगा जब आर इक्वल टू एन बाई टू, यानी कि महत्तम जो गुणांक है वो हो जाएगा एल सी एन बाई टू। सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं, यदि एन विषम संख्या है, एन विषम संख्या है तो एन सी आर महत्तम तब होगा यदि आर इक्वल टू वन बाई टू एन माइनस वन अथवा वन बाई टू एन प्लस वन। ये क्वेश्चन आ चुका है टीजीटी में, ये पॉइंट यानी आर इक्वल टू एन बाई टू का सम है तो मैक्सिमम होता है या यहाँ पे, ये क्वेश्चन बनकर टीजीटी 2010 में आ चुका है, यूपी टीजीटी 2010 में ये आया था और एक बार ये भी आ चुका है। ठीक है, तो ये सॉर्टेड पॉइंट्स होते हैं वो ज़्यादातर आया करते हैं। ठीक है, तो अतः इसके जो महत्तम पद होंगे यानी महत्तम गुणांक होंगे, जब विषम है तो दो होते हैं, विषम है तो दो महत्तम गुणांक होते हैं और सम होने पर एक ही महत्तम गुणांक हुआ करता है। तो महत्तम इसका जो गुणांक हो जाएगा एन सी क्या हो जाएगा, एक तो वन बाई टू एन माइनस वन एंड दूसरा हो जाएगा एन सी वन बाई टू एन प्लस वन। ठीक है, तो दो होंगे चूँकि दोनों के मान बराबर हैं, ये गुणांक और ये गुणांक दोनों बराबर होते हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो विषम संख्या होती है जब महत्तम गुणांक होते हैं वो क्या बराबर होते हैं। देखिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में लगा देता हूँ एन सी वन बाई टू एन माइनस वन कल टू बता एन सी वन बाई टू एन प्लस वन, चूँकि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। एन सी आर का महत्तम गुणांक जब एन विषम संख्या है तो आर का मान वन बाई टू एन माइनस वन एन वन बाई टू एन प्लस वन होता है और उनके महत्तम गुणांक आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये तो था छोटा सा पॉइंट्स, अब आगे इन पे क्वेश्चंस आएंगे, है ना, छोटे छोटे क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीटिंग करते हैं, बार बार आते हैं, तो अब इन क्वेश्चनों की ओर बढ़ा जाएगा। उससे पहले मैं छोटे छोटे पॉइंट्स लगा देता हूँ जिन पर डिपेंडिंग हमारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जिन पर डिपेंडिंग क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, जैसे कि एक है वन प्लस एक्स की पावर एन के प्रसार में, ये एक प्रमेय होती है प्रसार में, पदों के गुणांक का योगफल टू की पावर एन होता है। ठीक है, वन प्लस एक्स की पावर एन के प्रसार में पदों के गुणांक का योगफल इतना होता है, कितना, टू की पावर एन, या इसको कह सकते हैं सी ज़ीरो प्लस सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री प्लस टोट 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 प्लस सी एन इक्वल टू टू की पावर एन, या इसको ऐसे भी कहा जाता है एन सी ज़ीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री टोट 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 प्लस एन सी एन इक्वल टू टू की पावर एन, इस तरह से भी इसको हम कह सकते हैं। और इसमें सम पदों के गुणांक बराबर होते हैं, विषम पद जितने होते हैं उतने ही सम पद होते हैं, यानी कि वन प्लस एक्स की पावर एन के प्रसार में के प्रसार में विषम पदों के गुणांकों का योगफल सम पदों के गुणांकों के योगफल के बराबर होता है, यानी कि जितने सम पदों के गुणांकों का योगफल होता है उतने ही विषम पदों के गुणांकों का योगफल हुआ करता है। जैसे कि जितने सम पद होते हैं सम वाले सी नॉट सी टू सी फोर डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही विषम वाले सी वन सी थ्री सी फाइव डॉट डॉट डॉट, ये टू की पावर एन बाई टू, यानी आधे ये होते हैं आधे ये होते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं टू की पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो इसी क्रम में ये छोटे छोटे मैंने पॉइंट्स ये हैं इस वीडियोस में, आगे में लॉन्ग क्वेश्चन और सारे टॉपिक्स वाइज क्वेश्चन जो कंपटीशन में आ रहे हैं करने का पूरा अभ्यास करूँगा। ठीक है, जो क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं उनको पूरा ध्यान रखा जाएगा, याद करने वाले हैं जैसे कि ये कह सकते हैं याद कर लीजिएगा भाई, है ना, ये आ जाता है इतना कई बार आ चुका है, इतना इस तरह से आ जाए या इस तरह से आ जाए, एक ही बात है, और ये पॉइंट्स उसी में से एग्ज़ाम में आ भी चुका है, ये भी आ चुका है
ठीक है, तो 2 की पावर n-1 है, इस 2 की पावर n/2 होता है इसको हम, तो ये जो छोटे पॉइंट हम डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस बना देते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं, तो वो क्या है, वो याद करने वाले ट्रिक्स हैं जिसको डायरेक्ट याद किया जा सकता है, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो उतने ही मार्का होता है, उसको आसानी से सॉल्विंग किया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो हम पॉइंट डायरेक्ट देते हैं उनको हमें क्या करना है, याद करना है।